अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के फॉल एडमिशन 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट और हमें कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें अप्लाई का मेथड। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म को डाउनलोड करना होगा और देन उसको फिलअप करना होगा। इसके अलावा प्लान फॉर्म को भी सबमिट करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप प्लान फॉर्म को इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, देन आप उसको फिल करेंगे और उसको पे करेंगे। आपको प्लान फॉर्म का और एडमिशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलते हैं हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे कि आप लोग एडमिशन एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो कि रेगुलर है एंड सेल्फ स्पोर्ट्स है। फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करते चले तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमें बीएस बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में बीएस बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री बीएस केमिस्ट्री। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सीएस एंड आईटी में बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस कंप्यूटर साइंस एंड बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बीएस मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स बीएस फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस में बीएस डेटा साइंस एंड बीएस स्टेटिस्टिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में हमें बीएस जियोलॉजी ऑफर करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बीएस माइक्रोबायोलॉजी। इसके साथ फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज में बीएस इस्लामिक स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बीबीए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में बीकॉम, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में बीएस इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बीएस एजुकेशन एंड बीएड 1.5 ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी में बीएस फिजियोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में हमें बीएस इंग्लिश ऑफर करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में बी एस उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी में बी एस साइकोलॉजी, बी एस इंटरनेशनल रिलेशन एंड बी एस पोलिटिकल साइंस। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पास्ट स्टडी की बात करें तो बी एस हिस्ट्री एंड पास्ट स्टडी ऑफर करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया है कि फॉर एडमिशन 2022 के फर्स्ट मंथ जो उम्मीदवार है इंटरमीडिएट के यानी कि फर्स्ट ईयर पार्ट वन में अगर वो तमाम मजामीन में पास कर चुके हैं और साल दो यानी कि सेकेंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के दिए गए मजामीन में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। यानी कि आप फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेस पे एफएससी पार्ट वन के मार्क्स के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए। इसके बाद उन्होंने मेंशन किया कि आपका एडमिशन तभी कंफर्म होगा जैसे ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से, तो उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होगा और मेरिट लिस्ट की तारीख का तयन कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यानी कि अपलोड की जाएगी। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस डेट को मेरिट लिस्ट अपलोड होगी और उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो फाइनल होगा। एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फी चालान, मेरिट लिस्ट, फर्दर डिटेल्स फॉर एडमिशन शेड्यूल विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट एंड एडमिशन ऑफिस। इसके अलावा रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली ने अपना मोबाइल नंबर मेंशन किया हुआ है, तो आप कोई भी क्वेरी है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है फॉर एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डाउनलोड करना है एडमिशन फॉर्म जो कि मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपने उसको कैसे फिलअप करना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप इजीली चेकआउट कर सकेंगे। इसके अलावा आपने डाउनलोड करना है चालान फॉर्म, इसके अलावा आपने फिलअप करना है एडमिशन कम्प्लीटली एंड अटैच करनी है फोटोकॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। अटैच आपने एफिडेविट करना है जो कि 100 रुपीज का होगा, 100 और सैंपल एंड ऑन वेबसाइट एडमिशन आपकी वेबसाइट पे मौजूद है एफिडेविट, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट करना है फी चालान बैंक ऑफ पंजाब एंड अटैच करनी है एडमिशन फॉर्म कॉपी विद एडमिशन फॉर्म। यानी कि आपने जो बैंक सबमिट करवाना है बैंक ऑफ पंजाब में अपना फी चालान, उसकी भी आपको एक कॉपी साथ अटैच करनी होगी अपने एडमिशन फॉर्म की और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। सबमिट एडमिशन फॉर्म, फी चालान, एफिडेविट विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय पोस्ट टू एडमिशन सेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली टू से। यानी कि आप इसको पोस्ट भी कर सकते हैं और सबमिट बाय हैंड अगर आपने करवानी है तो सबमिट भी करवा सकते हैं 30 सितंबर 4 PM तक, यानी कि 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई की। इसके साथ हम देख लेते हैं ये हमारे पास मौजूद है एडमिशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा ये है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए जिसको आपने छोड़ देना है। इसके अलावा डिपॉजिट स्लिप जो कि आपने स्लिप वो सबमिट करवाने हैं अपने फी चालान, तो उसकी डिटेल्स जहाँ पे आपने फिलअप करनी है नेचर क्लर्क के, इसको भी आप ने छोड़ देना है इस ऑप्शन को। नेम ऑफ डीलिंग क्लर्क उसका आप यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे क्लर्क से पूछ के। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर अप्लाइड फॉर आप
के लिए अप्लाई करें, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर, एडमिशन डेट, एंट्री नंबर, तो ये डिटेल्स भी आपको एडमिशन ऑफिस से ही मिलेंगी। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, तो ये आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपने केयरफुली रीड आउट कर लेनी है। इसके अलावा अगर मैं बात की, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर एप्लीकेंट के एंड सिग्नेचर ऑफ फादर एंड गार्डियन, चेक लिस्ट यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लास्ट कैंडिडेट यानी कि आपका सेकेंड ईयर का, जहाँ से आपने कम्प्लीट किया वहाँ से आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। इसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ आई डी कार्ड, डोमिसाइल, नाजा, अगर आपका आई डी कार्ड नहीं है तो वे फॉर्म चलेगा। फॉर अटेस्टेड फ्रेश फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट, ट्रांजिशन इफ नेसेसरी, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, इसके अलावा बैचलर डिग्री ऑफ और इक्विवेलेंट यानी कि मास्टर्स डिग्री ऑफ और इक्विवेलेंट, इसको आपने यानी ये आपके लिए नहीं है, इसको आपने स्किप कर देना है। मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट को आपने फिलअप कर लेना है। बाकी जो दो मेंशन की हुई है ये फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए है। इसके अलावा एडमिशन लेवल, अंडर ग्रेजुएट, बी एस प्रोग्राम, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अटैच करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपना नेम ऑफ प्रोग्राम लिखना है, टाइप ऑफ रिजर्व सीट इफ अप्लाइड, अटैच द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आप रिजर्व सीट पे अप्लाई करें तो, पार्ट वन कंपल्सरी फिल ऑल एडमिशन एंड एकेडमिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे, आई डी कार्ड, नेशनैलिटी, जेंडर, इसके अलावा आपने फादर नेम, फादर का आई डी कार्ड, गार्डियन की डिटेल्स मेंशन करेंगे, सेल फोन नंबर, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट्स, इनके गार्डियन अगर आपके फादर ही हैं तो उनकी डिटेल्स अगेन फिल कर दें, प्रेजेंट एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद फोन नंबर, रेजिडेंस, एप्लीकेंट सेल नंबर, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके साथ ही फादर, गार्डियन, एनुअल इनकम आपने मेंशन करनी है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एंड डोमिसाइल प्रोविंस वो मेंशन करेंगे। इस यहाँ पे आपने अपनी मैट्रिक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन मेंशन करनी है, यहाँ पे आपने अपनी ए लेवल यानी कि अपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स को एंटर करना है, एनुअल सप्लीमेंट्री, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल ग्रेड्स, इसको फिलअप करेंगे। इसके अलावा आपने हाफिज़े कुरान है तो उनके लिए आप यहाँ पे डिटेल फिलअप करेंगे, जो डिसेबल कैंडिडेट है ये उनके लिए है, अगर आप नहीं है तो आपने इन दोनों को स्किप कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट के साइन और गार्डियन के साइन हो जाएंगे और फॉर्म को आपने फिलअप कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, इसका प्रिंट लेंगे, देन ही आप इसको फिलअप कर सकेंगे। इसके साथ ये हमारे पास मौजूद है चलान फॉर्म, इसको आप देख सकते हैं, इसको भी डेट, नेम, फादर नेम, आई डी कार्ड, इसको भी आपने फोटो को फिलअप करना है, देन ही आप चलान फॉर्म पे करेंगे। एक कॉपी जो है बैंक अपने पास रख लेगा और दो आपको रिटर्न कर देगा। इसकी 500 रुपीज फी है जो आपको जमा करवानी होगी। इसके साथ बात कर लेते हैं हम इसके फीस स्ट्रक्चर के डिटेल्स के बारे में। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जस्ट आपको अनाउंस किए हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर डिटेल्स। एडमिशन फी है वन टाइम ऑनली आपको पे करनी होगी। बीबीए की रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्ट की भी मेंशन की गई है, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, डीएस, एमए, बीएस एंड एमए की, तो आप ये देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर जो मेंशन है, बीएस उर्दू का, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स का, इसके अलावा केमिस्ट्री का, एमएससी केमिस्ट्री का, तो इस प्रोग्राम को यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ने मेंशन किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप लोग इजीली चेकआउट कर सकेंगे फीस स्ट्रक्चर को। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है मेरे से एडमिशन के अबाउट, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।